हेलो उत्तरीन फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हो। अगर आप सभी लोग का बढ़िया होना भी चाहिए तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट और थैंक यू तुम सभी लोगों के पिछले वीडियो में ढेर सारे कमेंट और वेल विशेस के लिए। मुझे नहीं पता वीडियो कितना बड़ा होगा, बट चलो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। और पहले से कुछ वीडियो साइड नहीं करते, लाइक से सब्सक्राइब मार देना ध्यान से, क्योंकि जरूरी है। मॉम की तबीयत खराब है, घर के सारे काम मैं ही कर रहा हूँ और उसके बाद वीडियो भी बना रहा हूँ, तो लिटरली यार तुम लोग इतना तो कर सकते हो, है ना। तो चलो आ जाओ और हम डिस्कस कर लेते हैं पिछला एपिसोड में हमने देखा था कि जो यान जेन पुपान और गोइंग को बचा लेता है, तो गोइंग और जेन वुफान एक बार फिर से किंग पपेट के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे किंग पपेट ने जेन जोंगफू को काफी ज्यादा हैवीली इंजर्ड कर दिया होता है। साथ ही साथ गोइंग के तो हाथ काट के उसे सोले का ठाकुर बना दिया था, जिसके कारण खाना धोना और हाथ हिलाने का सिस्टम खत्म हो गया था। साथ ही इतना ज्यादा हैवीली इंजर्ड कर दिया था कि पेट फाड़ के ग्रीन कलर का खून निकाल लिया था। अब वो खून था या गन्ने का जूस, ये हमें नहीं पता। देन हमने देखा था जान उसे मारने के लिए अपने फायर लोटस एरो का यूज करता है, बशर्ते उस पर घंटा इसका असर नहीं होता, क्योंकि डीट तो ठीक होता है। जिसके बाद जो यान एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करता है, उससे बेचारे की शकल काली हो गई थी, लेकिन उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिसके बाद जॉन कहता है, मैं फ्लेम द गॉड जियो यान, मैं यहाँ की शाली फ्लेम्स को एक्टिवेट करते हुए उनसे कहता हूँ, मेला और दल मानो और लिथ की वाद लदा दो। अजी घंटा कुछ नहीं हुआ था, साला इतना बाढ़ चढ़ के बता रहा था, खरोंच तक नहीं आई उसको। जिसके बाद जो यान फायर लोटस एरो का यूज करते हुए तीन एरो एक साथ उसे मारता है, जिससे उसकी बॉडी में तीन छेद हो गए थे, जिससे वो कंफ्यूज हो गया था सांस कौन से वाले से लेनी है और हाँ गैस कहाँ से निकालनी है। हालांकि इस बात से बौखला कर उसने जॉन को खोपड़ी से उठा लिया होता है, लेकिन तब वहाँ पे एक बंदा प्यार होता है जो कहता है, नीचे रख, मैंने बोला ना नीचे रख। और ये और कोई नहीं बल्कि अपना नानर पिक था, जिसके बाद मैंने एपिसोड एंड कर दिया था। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नानर पिक पपेट के हाथ को कसकर पकड़ लेता है, जिसके कारण लोग तो देख सकते थे कि पकड़ अभी भी मजबूत थी, लेकिन उस पपेट के हाथ से चीखी आवाज आ रही होती है और जो यान के ऊपर उसकी बनी हुई पकड़ धीरे धीरे ढीली होती जा रही होती है। जिसके बाद जो यान वहां से नीचे गिरने लगता है, तो नानर मिंग जो यान को पकड़ने के लिए तुरंत ही आगे आ गया होता है और काफी ज्यादा कोल्ड इंप्रेशन के साथ इस पपेट किंग को देख रहा होता है और तुरंत ही कहता है, यहाँ से हिलना मत, जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो। जो सुनकर तो किंग डायमन पपेट पूरी तरीके से कांप गया होता है, चेहरे पर घबराहट होती है, जैसे वास्तव में ये नानर मिंग से डर रहा हो। हालांकि तभी आसमान में एक एक करके काफी सारी ब्लैक शैडोस अपीयर होती हैं, जिसने लगभग आसमान को कवर कर लिया होता है। और इसके बाद एक काफी कलरफुल स्नेक अपीयर होता है और ये स्नेक तुरंत ही धीरे धीरे अपने ओरिजिनल अट्रैक्टिव फिगर में आता है। टाइट फिटिंग बेस के कब्स ऑब्वियसली साफ साफ दिखाई दे रहे थे, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और ऐसा अट्रैक्शन जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। और ये फिगर जॉन को काफी यार सीरियस तरीके से देख रही होती है, जो कि नानर्मी की गोद में था। तो वो तुरंत ही नानर्मी के पास जाकर जॉन को संभालती है और यह ऑब्वियसली कोई और नहीं, तुम लोगों ने पता लगा ही लिया होगा कि काइलिन है, जो रिट्रीट कर रही थी वारकार्ड फैमिली में। और इस टाइम पे वारकार्ड फैमिली जॉन की मदद के लिए आ गई थी और हवा में काफी सारे लोग खड़े हुए थे, जो कि 1000+ क्वांटिटी में होते हैं। दूसरा डैंडियन के सारे लोग काफी ज्यादा डरे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि डैन पैलेस के लोगों की क्वांटिटी घट रही थी, जो मेंशन के लोगों की क्वांटिटी बढ़ रही थी। डाउडी कॉन्टिनेंट की सभी पीक पावरफुल पावर हाउसेस जो मेंशन के साथ खड़े हुए थे, यहाँ तक कि बारकार्ड फैमिली जो सबसे पावरफुल मानी जाती थी, वो भी जो यान की तरफ थी। इसका मतलब क्या ये नहीं था कि अब डैंडियन डिस्ट्रॉय होने वाला था? तभी एंसेस्टर दहाड़ते हुए कहता है, इविल डायमंड किंग तुम क्या कर रहे हो, उन्हें मार डालो। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ये पपेट नानर्मिंग से इतना डरा हुआ होगा। यह सुनकर इस पपेट की पूरी बॉडी कांप जाती है और वो तुरंत ही सिर उठाकर काफी गुस्से से नानर्मिंग को देखता है। हालांकि तभी उसी टाइम एंसेस्टर के हाथ में एक लाइट बॉल दिखाई देती है, जो कि इस पपेट डेमन किंग की सोल थी और एंसेस्टर यहाँ पे उसकी सोल को जला रहा होता है, जिससे यह मॉन्स्टर धीरे धीरे पागल होता जा रहा होता है। जो देखकर नानर्मिंग तुरंत ही कहता है, क्या हुआ ड्रैगन स्केल किंग, क्या आपको लगता है कि मैं इसे डरा नहीं सकता? यह तो पूरी तरीके से पागल हो चुका है, मैं अपनी पावर के साथ इसके खिलाफ नहीं लड़ सकता। नानर्मिंग डेमन किंग को कांपता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। जो देखकर तो ड्रैगन स्केल किंग तुरंत कहता है, डैम इट, मुझे अपनी बॉडी दो, ये जियो यान उस लड़के ने मेरे साथ खेलने की हिम्मत की, मैं बाद में उसे हिसाब बराबर करने के लिए उसे जरूर ढूंढूंगा। ये चीज मेरे ड्रैगन केल से जुड़ी हुई है, किसने हिम्मत की मेरे ड्रैगन क्लेन के वॉरियर को इस तरीके से बर्बाद करने की? मैं मेरे ड्रैगन क्लेन को अपमानित करने के लिए
उसे के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हालांकि यह नॉन अर्मिंग से ही बात कर रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ नॉन अर्मिंग जैसी नहीं थी बल्कि काफ़ी पावरफुल और दबंग थी, जिसके बाद नॉन अर्मिंग की आंखें बंद होकर खुलती हैं और इस बार उसकी आंखें डायमंड जैसी होती है, बिल्कुल ड्रैगन आइस। और नॉन अर्मिंग के फोरहेड पर दो छोटे सींग उगे होते हैं, साथ ही नॉन अर्मिंग के जेड ब्लैक हेयर साफ आंखों के साथ देखते ही देखते रेड हो गए होते हैं और उसका पहले वाला बिहेवियर पूरी तरीके से गायब हो गया होता है और एक पावरफुल स्ट्रांग ऑरे ने उसकी जगह ले ली होती है और उसके सुंदर से चेहरे पर काफ़ी एक्स्ट्रा दबंग लुक होता है और काफ़ी अट्रैक्टिव फिगर। जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे ड्रैगन क्लेन का ब्लड एसेंस कैसे मिला, लेकिन मैं इसे मेरे ड्रैगन क्लेन को मारने के तौर पर मानूंगा। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूँ, इस पपेट को किसने रिफाइन किया? इस टाइम पे नॉन अर्मिंग की आवाज़ सॉफ्ट नहीं थी भाई, ऐसी थी कि पैंट गीली हो सकती थी, खास तौर पर एंसेस्टर की डैंडियन के। उनको फील हो रहा होता है कि उन्होंने उड़ता हुआ डंडा ले लिया है। साथ ही इस आवाज़ से लगभग हर कोई कांप गया होता है और किसी ने भी नॉन अर्मिंग के सामने गुस्ताखी करने की हिम्मत नहीं की थी, बस सभी नॉन अर्मिंग को देख रहे होते हैं। तभी नॉन अर्मिंग को देखते हो किंग मुयर कहती है, तेरे बाल लाल कब हुए? जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं कि वास्तव में नॉन अर्मिंग की खोपड़ी में सींग कब उग गए। बाल लाल है, माथे पे सींग है, आंखें डायमंड जैसी हैं। हालांकि इसमें वो और भी सुंदर लग रहा था, लेकिन नॉन अर्मिंग जैसा नहीं लग रहा था। तभी जो जान तुरंत कहता है, क्या ये वही नॉन अर्मिंग है जिसे हम जानते हैं? बदली हुई शक्ल को देखकर उसके इंप्रेशन बदल गए होते हैं, क्योंकि उसने देखा था कि इसका तो ऑरा ही बदला हुआ है और भाईचारे वाला जो फीलिंग था वो आ नहीं रहा होता। तभी फैंग फैंग कहता है, ऐसा लगता है कि मैंने उसे ये कहते हुए सुना कि मैं एक ड्रैगन हूँ। क्या नॉन अर्मिंग की ओरिजिनल आइडेंटिटी एक ड्रैगन है? जो सुनकर मुयर जिंग जो एक तरफ खड़ी थी वो भी हैरान होते हुए कहती, नॉन अर्मिंग ड्रैगन है? क्या ये ट्राइब बारकार्ड फैमिली से रिलेटेड है? लेकिन ड्रैगन क्लेन तो काफी ज्यादा ईगोफुल और ग्रेट होते हैं, साथ ही वो वाई वॉन काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और उनकी ब्लड पावर काफी खास होती है। वो तो स्ट्रांग होने के लिए ही पैदा हुए होते हैं, लेकिन डाउडी कॉन्टिनेंट में तो ड्रैगन क्लेन एक सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्या वो वास्तव में यहाँ हो सकता है? हम लोगों ने तो कभी भी किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा, यहाँ तक कि प्योर ब्लड वाला ड्रैगन तो और भी नहीं। उन्हें केवल एक ही ड्रैगन के बारे में पता था और वो था लॉन्गी, नाइन मिस्टीरियस गोल्डन थंडर ड्रैगन। और आखिरकार कोई भी समझ सकता था कि इस पपेट को ड्रैगन के ब्लड एसेंस से रिफाइन करने के बाद इसकी पावर 9 स्टार के क्लोज पहुंच चुकी थी, तो ड्रैगन क्लेन की पावर क्या रही होगी? साथ ही वो अपने आप को इस कॉन्टिनेंट में छिपा सकते हैं और कोई उन्हें ढूंढ भी नहीं सकता, तो इससे भी उनकी पावर 100 होती थी। तभी अचानक ही सभी लोग कहते हैं, अगर वो 9 स्टार जितने मजबूत थे तो क्या इस डिजास्टर में वो सब मर नहीं गए? हालांकि अभी भी एक सीक्रेट था, क्योंकि हेवन अर्थ के बीच ड्रैगन क्लेन काफी लॉन्ग टाइम से गायब था और कॉन्टिनेंट में कभी दिखाई ही नहीं दिया था। लेकिन अगर उसका ब्लड एसेंस यहाँ पे अपेयर हुआ था जिससे इस पपेट को रिफाइन किया गया था, तो अब सभी लोग कंफ्यूज थे कि वो है या नहीं। दूसरी तरफ नॉन अर्मिंग की बॉडी को अब एशियंट ड्रैगन स्केल किंग कंट्रोल कर रहे थे और नॉन अर्मिंग के प्रेजेंस को देखकर जॉन स्माइल करता है कि वास्तव में उसकी स्ट्रेटजी सही निकली। न केवल रेवाइन प्रेगनेंसी स्टोन के साथ नॉन अर्मिंग की बॉडी को क्रिएट कर लिया गया था, बल्कि उसकी बॉडी में ड्रैगन स्केल किंग केवल एक हेल्पर के तौर पर रह सकता है, क्योंकि नॉन अर्मिंग की ही सोल प्राइमरी सोल थी और नॉन अर्मिंग जब चाहे अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन ड्रैगन स्केल किंग तभी कर सकता था जब नॉन अर्मिंग चाहे। साथ ही अगर ड्रैगन स्केल किंग फोर्सफुली भी ऐसा करना चाहे तो भी वो नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ किंग डेमन पपेट आप पूरी तरीके से कंट्रोल से बाहर होकर नॉन अर्मिंग की तरफ दौड़ रहा होता है और ड्रैगन स्केल किंग काफी शांति से अभी उसे को ही देख रहा होता है। साथ ही प्राइमरी सोल नॉन अर्मिंग की थी, इसीलिए बॉडी भी नॉन अर्मिंग के जैसी ही दिखती थी, लेकिन नॉन अर्मिंग और उसकी पावर में भी काफी सुधार हुआ था। हालांकि ये केवल एक एसेंस फ्लेम थी, एसेंस सोल थी, लेकिन इसके अंदर की पावर से जो यान भी डरता था और ये तुरंत ही 8 स्टार डाउडी के ऑरे को शो करता है, जो देखकर जेन जोंगफू और बाकी सभी लोग यहाँ तक कि किंग हौरान भी हैरान होते जो नॉन अर्मिंग को जानते थे और तुरंत ही सभी बोलते 8 स्टार। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करेगा, वो भी 8 स्टार के लेवल पर। तभी यहाँ पे मोस्ट टाइम पर जान हुआ जेन जोंगफू को देखते उनकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। साथ ही ट्रीटमेंट पिल लेने के बाद उनकी चोटें भी काफी हद तक ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद जेन जोंगफू तुरंत ही सिर लाते हुए कहते, एक लॉन्ग टाइम हो गया जब मैंने किसी को 8 स्टार पे ब्रेक थ्रू करते हुए देखा था, लेकिन इस छोटे से टाइम के अंदर जो यान डैन डा चेंग और इसके बाद ये बंदा भी 8 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर चुका है, मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन ठीक है, मुझे लगता है यह कोई संयोग नहीं होगा, क्योंकि ये सभी लोग एक के बाद एक 8 स्टार पे पहुंच रहे हैं, तो इसका किसी बड़ी चीज से कोई रिश्ता होना चाहिए। ह्यूमन एम्परर, डेमन एम्परर और मोस्ट एम्परर ऑब्वियसली नॉर्मल ह्यूमन से तो काफी ज्यादा चीजें जानते थे, इसीलिए वो 9 स्टार और अपने एंसेस्टर्स के बारे में भी डाउडी कॉन्टिनेंट में काफी सारी चीजें जानते थे और उन्होंने ये इसीलिए कहा था क्योंकि आगे की सिचुएशंस भी काफी सारी थी। हालांकि तभी जान हुआन कंफ्यूज होते हुए कहता है, ह्यूमन एम्परर आप किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? हालांकि तभी जेन जोंगफू की तरफ देखते हुए वो तुरंत कहता है, ओह
आपका मतलब इस दिन से था? और इसके बाद वो काफी कंफ्यूज होता है, जो देखकर जन जोंगफू समझ जाता है कि शायद जान हुआन अपने एंसेस्टर और इन चीजों के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करते। तभी जोंगफू कहते हैं, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो 7 स्टार के पीक लेवल पर हैं और 8 स्टार पे पहुंचना चाहते हैं। उनमें से बहुत कम है जो सक्सेसफुली उसे ब्रेक थ्रू कर पाते हैं, क्योंकि ये दुनिया जानबूझकर उन्हें रोकती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया का भाग्य बदल गया है, हेवन बदल रहा है और वो सभी को पावरफुल कर रहा है। और ऐसा कहते वो आसमान की तरफ देखते हैं, जो सुनकर जान हुआन भी अपना सिर हिलाते हैं, क्योंकि उन्हें भी इसमें कुछ सच्चाई लग रही होती है। क्योंकि हाल ही में 8 स्टार एक के बाद एक सामने आए थे और ये कुछ ऐसे नहीं थे जो कि पहले से ब्रेक थ्रू करके 8 स्टार पर थे, जबकि 8 स्टार के ट्रिबुलेशन को झेलना सबसे मुश्किल था। इसलिए जान हुआन तुरंत कहता है, क्या उस टाइम से रिलेटेड तो नहीं है जब आसमान में काफी दिनों तक अंधेरा दिखाई दिया था? आखिरकार कई महीनों तक वहाँ पे अंधेरा था और जमीन में कुछ भी नहीं दिखा था, साथ ही कोई बदलाव भी नहीं हुआ था। और ऑब्वियसली एम्परर तियानजेंग के घोस्ट मैंसन की बात कर रहे होते हैं, यानी वही सेब, क्योंकि उसी के आने के बाद डेन डाचेंग 8 स्टार पे ब्रेक थ्रू कर पाया था और जो यान भी, और अब ना नर्मिंग। तभी जोंगफू कहते, क्या ये बच्चा जो यान के सबऑर्डिनेट में से एक नहीं है? क्या जो यान ने इसे इतनी गहराई में छिपाया हुआ है? ना वो केवल अकेले जियो मैंसन में 8 स्टार है, बल्कि एक 8 स्टार डाउडी और उसके पास है। तो क्या आप डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर जियो मैंसन और मुसीबत में नहीं होगा? और ऐसा कहते हुए जोंगफू ना नर्मिंग को देखता है, जैसे वो जानता था। तभी वो कहते हैं, वैसे अभी की सिचुएशन क्या है? उसने डेमन किंग पपेट को एक वर्ड के साथ रोक दिया था, ऐसा लगता है कि वो पपेट उससे डरता है, लेकिन इसका ओरिजन क्या है? क्योंकि उसे तो केवल अपने मास्टर का ऑर्डर सुनना चाहिए। जान हुआन के अकॉर्डिंग भले ही नान एर्मिंग 8 स्टार था, इस पपेट को नान एर्मिंग को सीरियसली नहीं लेना चाहिए था। और यहाँ पे जान हुआन और जोंगफू अकेले से हॉट शौक नहीं थे, बल्कि यहाँ पे सभी लोग काफी शौक थे, यहाँ तक कि गोइंग भी, जो सीरियसली इंजर्ड था, वो भी काफी सदमे को फील कर रहा होता है। तभी नान एर्मिंग डैन पैलेस सेंसेटर की तरफ देखते हुए कहता है, तो ये साफ पता चलता है कि तुमने इस पपेट को रिफाइन करने के लिए हमारे ड्रैगन क्लेन का ब्लड लिया, तुम्हें मरना चाहिए। एल्केमी पैलेस के एंसेस्टर को देखते उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई होती हैं, जैसे कि उसकी आंखें डैन पैलेस एंसेस्टर की डेथ को पहले ही प्रेडिक्ट कर चुकी हों। साथ ही ड्रैगन स्केल किंग के खतरे को सुनते हुए एल्केमी पैलेस के एंसेस्टर के चेहरे पर कोई भी निशान या इम्प्रेशन नहीं होता, बल्कि इम्प्रेशन लेस तरीके से वो उसे देख रहे होते हैं। साथ ही यहाँ पे सभी लोग काफी हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें भी अभी तक एंसेस्टर की पावर के बारे में और फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वो सभी लोग स्टार्टिंग से फाइट में उलझे हुए थे। हालांकि उसी टाइम पे किंग डायमंड पपेट सीधा ही नान एर्मिंग के चेहरे की तरफ थप्पड़ बजा देती है, लेकिन नान एर्मिंग की बॉडी में ड्रैगन स्केल किंग था, जो कि उस थप्पड़ की तरफ देखते ही अपनी नजरें इस किंग डायमंड पपेट की तरफ करता है और उसकी आंखों से अचानक एक क्रूएल ऑरा रिलीज होता है और आसपास का जो टेम्परेचर होता है अचानक ही गिरने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। यहाँ ड्रैगन स्केल किंग की आवाज कोई सुरीली और मीठी नहीं होती, बल्कि एक दबंग और काफी गुस्से भरी दहाड़ होती है, जिससे किंग डायमंड पपेट का पंच हवा में ही रुक गया होता है, सभी की सांसें रुक गई होती हैं। और नान एर्मिंग के वो लोग जो मैंसन के वो लोग जो कि नान एर्मिंग को जानते होते हैं, वो काफी सदमे से नान एर्मिंग को देख रहे होते हैं, जो जान की तो सांसें फूल गई होती हैं कि कहीं ये उससे बदला न लेने लगे, क्योंकि इनमें से किसी को भी नहीं पता था कि नान एर्मिंग की बॉडी के अंदर ड्रैगन स्केल किंग की सोल है। ड्रैगन स्केल किंग से लगभग आधा इंच दूर वो पंच रोका था और ड्रैगन स्केल किंग बिना पलक झपकाए इस पपेट को घूर रहे होते हैं, जिसके कारण किंग डायमंड पपेट की अचानक ही भौहें सिकुड़ गई होती है, बॉडी कांपने लगी होती है और बंदा कमजोर हो गया होता है। साथ ही ड्रैगन स्केल किंग की उंगली के सहारे के साथ ही साथ उसकी बॉडी की जो गोल्डन पपड़ी थी वो धीरे धीरे कम हो रही होती है और उसके बॉडी में वापस से उसका गोल्डन ब्लड बहना स्टार्ट हो गया होता है। ड्रैगन स्केल किंग वास्तव में फोर्सफुल तरीके से इस पपेट की बॉडी से ड्रैगन एसेंस और ब्लड निकाल रहे होते हैं, जो देखकर पहले सेंसेस्टर काफी ज्यादा टेंशन में आ गया होता है और वो उसकी लाइफ पावर पर और भी अटैक कर रहा होता है, जिससे किंग डायमंड पपेट अपने गुस्से से दांतों को जकड़ लेता है और बॉडी कांपने लगती है। लेकिन तभी वो किंग डायमंड पपेट ड्रैगन स्केल किंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि उसके फोरहेड से ड्रैगन स्केल किंग एक गोल्डन ब्लड की ड्रॉप निकालते हैं और पपेट की सारी ही मूवमेंट रुक जाती है, बॉडी तुरंत ही सूख जाती है और ड्रैगन जैसी प्रेजेंस गायब हो जाती है और धीरे धीरे बेचारा फीका पड़ने लगता है। साथ ही एक नॉर्मल पर्सन की तरह जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर जियो जान तुरंत ही कहता है, यह डायमंड पपेट ह्यूमंस रूप में बदल गया। नान एर्मिंग ने कौन से टेक्निक को यूज किया है? वो अनटेस्टेड तरीके से देख रहा होता है कि जिसे कोई हरा नहीं पाया, जो अनबीटेबल था, नान एर्मिंग ने इतनी आसानी से हरा दिया। उड़ी बाबा,
क्या यह नॉन एर्मिंग है या नॉन एर्मिंग की बॉडी के अंदर कोई और किंग डेमन पपेट की बॉडी से यह ड्रैगन ब्लड एसेंस कैसे निकाल सकता है? क्या ये सच में ड्रैगन क्लेन से रिलेटेड है? जेन जोंगपू ने भी तो आंखें मूंद ली होती हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बंदा ऐसा खतरनाक प्राणी होगा। तो गोइंग जान हुआन और किंग हाउरान भी हैरान होते हैं। साथ ही फोर्थ एल्डर वो ऐसा देख रहे होते जैसे उन्हें कोई गलत पर्सन दिख गया हो। वो एक दो बार नॉन एर्मिंग से मिले थे। हालांकि अब नॉन एर्मिंग का बिहेवियर और सिग्नेचर और पूरी पर्सनैलिटी बदल गई थी, लेकिन फिर भी वो काफी हैरान थे। तभी किंग आवरान तो यहाँ काफी टेंशन फ्री होते तरीके से कहते हैं, आखिरकार इस बच्चे जोयान ने इसे कैसे किया? वास्तव में उसी ने नॉन एर्मिंग की बॉडी रिक्रिएट की है, उसकी डेड बॉडी को वास्तव में ऐसा बना दिया और उसे बचा लिया। मौत की कगार से बचाए तो बचाया, इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया? तभी गोइंग जिसने अपने हाथ खो दिए होते हैं वो तुरंत ही कहता है, यह बच्चा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है, मुझे सोचने दो। जिसके बाद वो वहाँ पे डांडियान के खंडहरों और हड्डियों के बीच क्रॉस लेग करके बैठ जाता है। सत्य से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके हाथ कट गए। वैसे भी ये हाथ उसकी बॉडी के ओरिजिनल पार्ट तो थे नहीं, दोबारा लग सकते थे। वो यहाँ पे यही सोच रहा होता है कि ये बंदा मैंने कहाँ से देखा है। और काफी देर तक सोचने के बाद वो अचानक हैरानगी से उसकी तरफ देखता है तो उसके इम्प्रेशन काफी अजीब होते हैं। वो तुरंत ही कहता है, अरे इसे तो मैंने अपनी बॉडी से पॉइजन दिया था। अगर ये भले ही ना मरा हो लेकिन इसे जिंदगी भर अपंग होना चाहिए था, ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? गोइंग को अच्छे से पता था कि इस बंदे को मर जाना चाहिए था, जो 6 स्टार के पीक लेवल पर था और उसके बोन पॉइजन से इफेक्टिव हो गया था। उससे उम्मीद नहीं थी कि साला इतनी कम पावर वाला बंदा भी उसके पॉइजन से बच सकता है। वो तुरंत कहता, क्या ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ड्रैगन क्लेन से रिलेटेड है? उसके माथे पे चमक रहे दो सींगों को देखकर बंदे की हार्ट बीट तेज हो रही होती है, क्योंकि ड्रैगन क्लेन की जो पोजीशन थी वो नॉर्मली डाउडी क्लेन के ऊपर डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा हाई थी। वो डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर किसी को भी अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर सकती थी। दूसरा जो यार ने भी डाउडी कॉन्टिनेंट में कभी भी किसी ड्रैगन को नहीं देखा था। इसका मतलब ये नहीं था कि डाउडी कॉन्टिनेंट में ड्रैगन नहीं थे, वो थे लेकिन काफी पावरफुल और शायद किसी और एरिया में वो खुद को रखते थे। ब्लड एसेंस के निकल जाने के बाद किंग डेमन पपेट डिस्ट्रॉय हो गया होता है और डेमन पैलेस के एंसेस्टर काफी नाराज हो गए होते हैं और हाथ से उसकी सोल के क्लस्टर को टुकड़े टुकड़े में बिखेर देते हैं, जिससे वो लाश भी खत्म हो गई होती है। तभी ड्रैगन किंग कहता है, क्योंकि हम एक ही क्लेन से हैं और तुम्हारे साथ गलत हुआ तो मैं ड्रैगन स्केल किंग तुम पे काइंडनेस दिखाऊंगा और तुम्हें रीइनकार्नेट करने के लिए एक बॉडी दूंगा। और इतना कहने के बाद वो अपनी आंखों को बंद करके ब्लड एसेंस और ब्लड को एक्टिवेट करता है और एक फ्लेम बैटल क्वी से उस डेड बॉडी को जो किंग डेमन पपेट की थी कवर कर लेता है, जिसके कारण सभी की आंखों में दिखाई देने वाली स्पीड के साथ उसका स्केलेटन एक एक करके वापस से ड्रैगन स्केल किंग के हाथ में आ जाती है। और उसकी बॉडी को देखते हुए ड्रैगन स्केल किंग तुरंत ही कहता है, ड्रैगन क्लेन के भाग्य के साथ मैं तुम्हें रीइनकार्नेशन के लिए वापस भेज दूंगा। और इसके बाद वो डेड बॉडी गायब हो जाती है और एक लाइट में कंडेंस हो जाती है जो ड्रैगन स्केल किंग की तरफ घूमते हुए जैसे उसे थैंक यू कह रही हो, जो देखकर ड्रैगन स्केल किंग स्माइल करते हुए कहता, जाओ तुम कई कठिनाइयों से गुजरे हो, मुझे उम्मीद है तुम्हारा अगला जीवन इतना कठिन नहीं होगा। और ऐसा फील हुआ जैसे ये लाइट ड्रैगन स्केल किंग की बात को समझ चुकी हो और तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर तो सभी लोग तुरंत कहते हैं, हे भगवान इतना पावरफुल मॉन्स्टर जिसे ह्यूमन एम्परर शैडो अलायंस के पीक लेवल का किलर गोइंग जियो यान और कोई भी नहीं निपट पाया, नॉन एर्मिंग ने उसे कैसे हरा दिया? हम जीत गए, हमारा जियो मेंशन जीत गया, सब जीत गए। डांडियान की बिल्डिंग खोद दी माचो, मैन है नॉन एर्मिंग हमारा, हम जीत गए। यहाँ पे नॉन एर्मिंग को भी लोग चीयर कर रहे होते हैं। साथ ही अब सभी लोग जानना चाहते थे कि एल्केमी पैलेस के पास अब कौन सा ट्रंप कार्ड है, अब उनके पास हारने के लिए केवल एंसेस्टर ही बचे हैं। तभी सभी लोग कहते हैं, मैंने डैन डाचेंग को उसे एंसेस्टर कहते हुए सुना है, क्या वो डैन पैलेस का एंसेस्टर हो सकता है? या जियो मेंशन पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग था, नॉन एर्मिंग ने ब्लड डेवन पपेट को हरा दिया, बारकार फैमिली के आने के बाद डांडियान पहले से ही काफी डरा हुआ होता है और एल्केमी पैलेस को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है और ये फिगर्स अलग अलग क्लेन से थी, जैसे जियो मेंशन, ह्यूमन ट्राइब, डेमन ट्राइब, मॉन्स्टर ट्राइब और नई आई हुई वारकार्ड फैमिली, पूरे एरिया को इन्होंने घेर लिया था जैसे इनके बाप का हो। दूसरा यहाँ पे इविल पपेट सभी भी फाइट कर रही थी तो कुछ एल्केमी पैलेस के डिसाइबल्स खून से लथपथ पड़े हुए होते हैं और आंखें लाल होती हैं। साथ ही एल्केमी पैलेस का एंसेस्टर अभी भी ह्यूमन साइज के एरिया के घेरे के सेंटर में खड़ा हुआ होता है और उसके इंप्रेशन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे होते। ड्रैगन पैलेस के डैन पैलेस के एंसेस्टर्स एल्डर्स काफी पहले ही मर चुके थे और कुछ घायल हो चुके थे। इंजू किंगिंग पहले ही गायब हो चुके थे, यानी कि अब डैन पैलेस के इस हाथ में सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ गई थी। दूसरा जो यान के गले को लाल देखकर जिसे उस पपेट ने दबाया था, कायलिन के दिल में तो काफी पेन हो रहा होता है जैसे उसके दिल को चाकुओं से काट दिया गया हो। वो काफी गुस्से में होती है
हालांकि वो जानती थी कि जोआना वो नहीं है जैसे उसकी सिक्योरिटी की जरूरत हो और कालिन के पास जो यान को प्रोटेक्ट करने की भी पावर नहीं है। लेकिन अगर जो यान को कोई चोट पहुंचाता है तो कालिन उसे जाने कैसे दे सकती थी। आखिरकार कालिन का अभी भी तो जोआन से प्यार जताने के लिए वही वर्ड था, तुम्हारी लाइफ में मेरा हक है, तुम्हारी लाइफ मेरी है, अगर किसी में भी दम है तो वो आगे बढ़कर आजमा सकता है और उसे छूने की कोशिश कर सकता है। आखिरकार वो क्यून मेडूसा अभी भी क्यून मेडूसा थी, भले ही वो जो यान के लिए कालिन थी, बाकियों के लिए वो अभी भी क्यून मेडूसा ही थी। साथ ही बार कार फैमिली के अंदर वो गार्डियन बीस्ट की जो हिडन टेक्निक थी वो भी कालिन को पावरफुल बनाने के लिए काफी यूजफुल हो रही थी और कालिन की पावर को काफी जल्दी बढ़ा रही थी। साथ ही कालिन बारकार्ड फैमिली के लिए जरूरी थी और कालिन की पावर बढ़ने के साथ बारकार्ड फैमिली की पावर बढ़ेगी, इसलिए कालिन डाउडी कॉन्टिनेंट के अंदर अभी भी क्वीन थी। साथ ही कालिन ने जो यान के लिए अपने ब्लड एसेंस को सेक्रीफाइस किया था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर उसने उसे पूरी तरीके से स्टेबल कर लिया था। हालांकि उसकी पावर में तो सुधार नहीं हुआ, लेकिन सेक्रीफाइस किया गया ब्लड पूरी तरीके से रिक्रिएट हो गया था। साथ ही इस बार न केवल कैओस टेरेंट और अंटी हो आई थी, बल्कि कैओस इमॉर्टल भी यहाँ कालिन की सपोर्ट में आए थे। साथ ही कालिन ने भी जो यान के लिए यहाँ पे आने का मन दिखाया था। तभी कैओस इमॉर्टल जोआन को इंजर्ड देखकर तुरंत कहता है, ये क्या हो रहा है भाभी, क्या ब्रदर ठीक है। वो तुरंत ही जोआन की चोटों को देखता है और कालिन के सपोर्ट में वो तुरंत ही जो यान की तरफ देखते हुए कालिन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। हालांकि जोआन को कोई सीरियस इंजरी नहीं आई थी और वो अपनी बॉडी को शांत रखने के लिए और एक्टिव रखने के लिए स्काई फायर का यूज कर रहा था। साथ ही जोआन के पास जो पिल फायर थी उसके अंदर रेनकार्नेट की काफी पावरफुल पावर थी जो जोआन की बॉडी को जल्दी से हील कर सकती थी और फिनिक्स फ्लेम के बारे में तो भूलने की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए जोआन की चोटें बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो रही होती हैं। साथ ही ट्रीटमेंट रिकवरी पिल के कारण जोआन की टूटी हुई बोन्स भी एक के बाद एक जुड़ रही होती हैं, इसलिए जोआन तुरंत ही कहता है, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो ब्रदर मॉर्टल। साथ ही नानरमी को एल्केमी पैलेस के एंसेस्टर से सावधान रहने के लिए कही है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो प्रिंस ने मुझे बताया था सावधान रहना, मेंटेस यानी मास्टर आपके पीछे सिकाड़ा और ओरियल का पीछा कर रहे हैं। मैं इतनी देर से फाइट में हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि प्रिंस ने किस ओरियल के बारे में बात की थी और वो कौन है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एल्केमिस्ट पैलेस का एंसेस्टर है और स्ट्रॉन्ग है या नहीं, हमें देखना होगा कि हम किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। साथ ही बोलते हुए जॉन को काफी दर्द हो रहा होता है और जॉन की आवाज को सुनकर कैओस इमॉर्टल भी काफी ज्यादा हैरान होता है और नानरमी को देखता है जो डांडियन एंसेस्टर के साथ सेंटर में खड़ा हुआ होता है। तो वो तुरंत कहता, ब्रदर वो अभी नानरमिंग नहीं, लाल बालों वाला नानरमिंग है और मैं अगर उसे कुछ भी कहूंगा तो मेरी बात का उस पर कोई असर नहीं होगा। यहाँ तक कि जब वो बाहर आया था तो मेरा तो छोड़ दो, उसने मुझे इग्नोर कर दिया, मेरे फादर को भी उसने डांट दिया था और तुम मानोगे नहीं, मेरे फादर की भी उसे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और तुम्हें लगता है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ। अगर मैंने उसे कुछ कहा तो वो मुझे भी डांटेगा, हो सकता है पीट भी दे, मैं उससे पंगा नहीं ले सकता। वो नानरमी को उस टाइम को याद कर रहा था जब लाल बालों के साथ ये आया था और पूरी बारकार्ड फैमिली को हिलाकर रख दिया था। हालांकि थोड़ी देर के बाद ये वापस से नानरमी में बदल गया था, इसीलिए कैओस इमॉर्टल थोड़ा सा रिलैक्स कर पाया था, वरना उसे नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम में होता। तभी कैओस इमॉर्टल की बातों को जोआन इग्नोर करता है और बैठकर अपनी पावर को रिकवर करने लगता है और प्रिंस के वर्ड्स को याद करते हुए जोआन सोचने लगता है कि प्रिंस के कहने का मतलब क्या था, क्या वो उसे धोखा देना चाहता था। लेकिन यहाँ पे तो प्रिंस को भी नहीं पता कि उनके बारे में बीच में ऐसी फाइट होने वाली थी। साथ ही यहाँ पे फाइट में साफ तौर पर पता चल रहा था कि डैन डाचेंग हार गया, पपेट को नानरमिंग ने खत्म कर दिया और अब केवल एंसेस्टर बचा है, तो क्या यही डांडियन का सिकाडा है, तो फिर ओरियल कौन है। हालांकि जॉन यही सोच ही रहा होता कि तभी जॉन के दिमाग में एक थॉट आता कि क्या गोइंग प्रिंस द्वारा बताया गया ओरियल हो सकता है। लेकिन अब गोइंग शैडो अलायंस की तरफ से फाइट नहीं कर रहा था बल्कि उसकी तरफ से फाइट कर रहा था और हो सकता है अब वो दोबारा शैडो अलायंस में ना लौट पाए। लेकिन प्रिंस फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में गलती नहीं कर सकता। काफी देर तक सोचने के बाद भी जॉन को जब कुछ नहीं मिलता तो वो इस बात को इग्नोर करने पे ही ध्यान देता है। साथ ही उसकी चोट बहुत जल्दी ठीक हो गई होती है। साथ ही यहाँ पे जोआन काफी अलर्ट भी था क्योंकि डैन पैलेस के एंसेस्टर ने अभी भी कोई भी एक्शन नहीं लिया था। जोआन को अपने दिल में यही लग रहा होता है कि एल्केमी पैलेस का ये एंसेस्टर इतना बिजी नहीं है जितना यह दिखता है। हालांकि इस टाइम पे नानरमी को ड्रैगन स्केल किंग द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था और जोआन को नहीं पता कि ड्रैगन स्केल किंग उससे कितनी नफरत करता है, इसलिए जोआन उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता था और हेल्पलेस तरीके से इस्तेमाल करते हुए कहता, अब सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, जो करना हो करो।